अगर आपके पास टमाटर नहीं है और आप राजमा बनाना चाहते हैं बिना टमाटर के भी, आप ये रेसिपी बहुत आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपी लाती हूँ। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं राजमा को। राजमा को मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था और सुबह उसके अच्छे से उबाल ली। फिर मैंने लिया कढ़ाई में सरसों का तेल, उसमें डाला जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो डालिए। और फिर मैंने इसमें डाला प्याज, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च का पेस्ट। और इन सबको हमें चलाते हुए अच्छे से भूनना है। हमें ये मसाले को तब तक अच्छे से भूनना है जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ने लगे। देखिए ये हमारा मसाला अच्छे से भून गया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने सब्जी मसाला पाउडर भी डाला है। ये ऑप्शनल है, आपका मन नहीं है आप मत डालिए। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है। और इन सबको डालकर हमें खूब अच्छे से पकाना है जब तक कि हमारा मसाला खूब अच्छे से ना पक जाए। ये देखिए जैसे मैं पका रही हूँ बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि अगर मसाला हमारा पका होता है ना तो किसी भी सब्ज़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है। और फिर इसमें हम टमाटर भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 चुटकी हींग। और ये देखिए हमारा मसाला लगभग बिल्कुल पक कर तैयार हो गया है। ये देखिए इसका कलर ही बता रहा है कि ये बिल्कुल भुन चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो हमने राजमा उबाल कर रखे थे। मैंने यहाँ पर ये लाल वाले देसी राजमा का यूज़ किया, आप और किसी राजमा का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं राजमा को डालकर खूब अच्छे से मसाले के साथ इसको भी भूनूंगी थोड़ा, इससे क्या होगा कि मसालों के साथ ही उसमें जो लिपट जाएंगे मसाले। और ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये है कि मैंने यहाँ पर इमली को भिगो कर रख दिया था 1 कटोरी पानी में, और यहाँ पर मैंने इमली का पानी डाला है। जी हाँ, यहाँ पर मैंने राजमा में पानी डाला है वो इमली का है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो टमाटर का जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इमली के पानी का यूज़ कर रहे हैं। और फिर जितना आपको राजमा में ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार। और अब हमें इसे अच्छे से, ये देखिए थोड़ी सी मैंने कुटी काली मिर्च भी डाल दी है, और अब हम इसे ढक देंगे ताकि ये अच्छे से खौलने लगे। और ये देखिए 5 मिनट बाद हमारा राजमा बिल्कुल अच्छे से खौल रहा है, खूब अच्छे से। और ये देखिए इसका रसा भी गाढ़ा है, ऐसा नहीं है कि ये टमाटर नहीं पड़ा है तो रसा इसका गाढ़ा नहीं है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्चों को लंबा काट कर डाल दिया है, देखने में भी अच्छा लगता है राजमा। और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने डाल दी है, और अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी अच्छे से डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और ये देखिए मेरा टेस्टी डिलीशियस राजमा बिल्कुल बनकर तैयार है। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये राजमा बिना टमाटर का बना है। और इसे आप चावल के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ खाइए, किसी के भी साथ खाइए, ये बहुत ही परफेक्ट बना है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके बाय, खाओ पियो एंजॉय करो।